हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं पावर स्टार के नई फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर का। बात करते हैं ट्रेलर के रिव्यू की। ट्रेलर जो है 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, इसलिए क्योंकि ये फिल्म जो है स्वच्छता से जुड़ी हुई है, गंगा स्वच्छता के बारे में बात करती है। चूँकि 2 अक्टूबर से स्वच्छता का पखवाड़ा शुरू हो रहा है, यानी कि लगभग 2 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक लोग स्वच्छता अभियान मनाएंगे और मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसी के शुभ अवसर पे ये फिल्म जो है इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है। रिलीज 20 अक्टूबर को होगी। ट्रेलर में कितना दम है ये आप ट्रेलर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मैं कुछ मोटा माटी आपको ट्रेलर के बारे में बताए दे रहा हूँ। फिल्म शुरू होती है एक पक्षी के उड़ने से, जो कि बाज या चील जैसा प्रतीत हो रहा है। बाकी VFX तो आप ही इसका जान सकते हैं कैसा है। जिस VFX की बात की जा रही थी कि उस VFX के लिए फिल्म जो है डिले हो रही थी। अब बात करते हैं पवन सिंह के परफॉर्मेंस और एक्शन की। एक्शन जो है भोजपुरी स्टाइल में है और पवन सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो भी एकदम भोजपुरिया स्टाइल है, जैसा कि उनका हर फिल्म में रहता है। कुछ अंडर वाटर सीन हैं जो मुझे ठीक ठाक लगे हैं, जो अच्छे लगे हैं, और इसके लिए जो है निर्देशक को जो है बधाई देने पड़ेगी। बाकी जो है पूरी टीम ने मिलकर काम किया है। फिल्म को बताया जा रहा था कि ये 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, मतलब 5 भाषाओं में डब करके बनाई जाएगी। पूरी तरीके से पैन इंडिया फिल्म है। पैन इंडिया जैसे कि पुष्पा आई थी, अभी हाल ही में जवान चल रही है, इससे पहले जो है RRR आई थी, ये सब पैन इंडिया फिल्में हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं में रिलीज होती हैं। तो उसी नक्शे कदम पर भोजपुरी वालों ने चलने का ठान लिया। अब इन्होंने भी पैन इंडिया फिल्म बना डाली है। बाकी सिर्फ भोजपुरी में, उसके नीचे लिखा हुआ कि सिर्फ भोजपुरी में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, अन्य कोई भाषा में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ या नहीं ये तो अभी पता नहीं चला है। बाकी जो है चंदन कन्हैया उपाध्याय इसके निर्देशक हैं, और इसमें पवन सिंह के अलावा स्मृति सिन्हा, अरविंद अकेला, कल्लू, ऐसे सुपरस्टारों ने काम किया है। और ये भोजपुरी भाषा की फिल्म है। 20 अक्टूबर को जो है ये धुआंधार तरीके से जहाँ जहाँ भी भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं वहाँ वहाँ ये रिलीज होगी, और फिर इसको कहा जाएगा कि ये पूरे भारत में रिलीज हुई है। आप बिल्कुल भी अपेक्षा मत कीजिए कि ये चेन्नई में रिलीज होगी या फिर तिरुवनंतपुरम में रिलीज होगी। हो सकता है वहाँ अगर भोजपुरी भाषी रहते होंगे तो हो सकता है उनके लिए रिलीज हो जाए। और बाकी पवन सिंह की जो पावर स्टार वाला स्टारडम है, उसके सारे जो फैंस हैं उनके, वो सब फिल्म को देखने जाएंगे, धुआंधार तरीके से फिल्म की कमाई को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाते हैं ये जनता तय करेगी। भोजपुरी के जो फैंस लोग हैं, जो भोजपुरी के दर्शक हैं, वो तय करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है क्योंकि आज लाइट की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो जैसे ही जैसा वीडियो बना रहे हैं वैसा आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।